हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र होशंगाबाद के बारे में और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी देंगे। चलिए पूरे वीडियो साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं चित्रकला संबंधित क्वेश्चन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ आदमगढ़ एक प्रमुख स्थान है। आदमगढ़ पहाड़ी में एक दर्जन से अधिक शैलाश्रय हैं जिनमें हाथी, महिष, घोड़े, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्ररोही, अश्वारोही, चार धनुधारी आदि स्टेंसिल पद्धति से बनाए गए हैं। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ पर कुछ आखेटक घोड़ों पर सवार चित्रित हैं और पैदल दौड़ रहे हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इस क्षेत्र में बुदनी तथा रहेली का नाम भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एक शैलाश्रय पर एक मोर का विशाल चित्र अंकित है और एक स्थान पर वन देवी का चित्र अंकित है। ये बताया गया होशंगाबाद के बारे में। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता कला 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच। चलिए इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। भारतवर्ष में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 3000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानव आकृतियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशु पक्षी तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन स्थान पर गोल, अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त मोती, मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातन वेत्ता इस शब्द को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहन जोदड़ों, हड़प्पा, कुली, मेही, लोथल, झुंकर तथा झांगर, चंददड़ों, अमरी, नुंद्रानाल, छोब नामक स्थानों पर उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई है। यूं तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री कनिघम ने इस सन 1878 में हड़प्पा टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई सन 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी। सन 1922 ईस्वी में स्वर्गीय आर डी बनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ और लरकाना जिले में मोहन जोदड़ों तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा की खुदाई में एक विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसी प्रकार सन 1954 ईस्वी में एस आर राव की अध्यक्षता में कराए गए पुरातत्व विभागीय उत्खनन कार्य में इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल नामक स्थान एवं चंदूदड़ों में भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पीलीबंगा तथा कालीबंगा की खुदाई में भी इसी प्रकार की प्राचीन सभ्यता के प्रमाण स्वरूप अनेक पात्र मिले हैं, क्योंकि इस सभ्यता का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। नंबर एक, क्वेटा सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। अमरी नुंद्रानाल सभ्यता 3000-1800। छोब सभ्यता 4000 से 2500। कुल्ली में ही सभ्यता 2800 से 2000। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल सभ्यता 2700 से 1800। झुंकर तथा झांगर सभ्यता 1500 ईसा पूर्व। उपरोक्त सभ्यताओं का नामकरण
उन स्थानों के नाम पर दिया गया है जहां सभ्यताओं के चिन्ह पाए गए हैं। इन स्थानों पर खुदाई के दौरान रोचक सामग्री प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस काल की चित्रकला के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये तो रही जानकारी आज होशंगाबाद और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं टीजीटी और पीजीटी में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।